갑자기 내게 나타나죠 너 난 아무 말도 हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रेसिमोस और साइमोस के डिफरेंसेस के बारे में, साथ ही साथ मैं आपको रेसिमोस के टाइप्स बता रहा था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो रेसिमोस है वो 10 टाइप का होता है, 10 टाइप्स ऑफ रेसिमोस प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ये लेक्चर भी आपको समझ में नहीं आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लीजिए। अब देखो यार, जो क्लासिफिकेशन है रेसिमोस के टाइप्स का वो हमने किस तरह से किया है, वो हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ मेन एक्सिस। जो पेडंकल होती है, जो मेन एक्सिस होती है, उसकी लेंथ के बेसिस पे हमने रेसिमोस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। मेन एक्सिस इलोंगेटेड यानी कि पेडंकल की लेंथ काफ़ी बड़ी थी, मेन एक्सिस शॉर्टेंड यानी कि पेडंकल छोटा था, और मेन एक्सिस फ्लैटेंड यानी कि पेडंकल कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। अब हम लोग मेन एक्सिस इलोंगेटेड पढ़ रहे थे, वहां पे हमने ये 5 टाइप को कवर कर लिया था, यानी कि रेसिम, स्पाइक, पेनिसिल, कैटकिन, स्पाइकलेट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। अब हम लोग बात करते हैं स्पैडिक्स की। अब देखो स्पैडिक्स में क्या है, स्पैडिक्स में पहली बात मेन एक्सिस क्या है, इलोंगेटेड। ये क्या है भैया आपका, ये है पेडंकल, ठीक है ना। पेडंकल क्या है, इलोंगेटेड होता है। अब यहां पर जो पेडिसिल है वो एब्सेंट होता है। अब जब यहाँ पे पेडिसिल एब्सेंट होगा यानी कि जो फ्लावर की स्टॉक है वो एब्सेंट होगी, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं सेसाइल। तो यहाँ पे इस प्लांट में ये है फीमेल सेसाइल फ्लावर्स, ये क्या है, फीमेल सेसाइल फ्लावर। और इसी प्लांट में ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे मेल सेसाइल फ्लावर्स, तो ये क्या है भैया, ये है मेल सेसाइल फ्लावर्स। तो ये सेसाइल वर्ड क्यों यूज किया है, सेसाइल वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि यहां पे स्टॉक ऑफ फ्लावर एब्सेंट है यानी कि पेडिसिल एब्सेंट है। अब इसको कवर करता है एक ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर, एक ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्पेथ। इसको हमने क्या बोला, स्पेथ। और ये स्पेथ क्या होता है भाई, स्पेथ होता है मॉडिफाइड ब्रैक्ट। मॉडिफाइड जो ब्रैक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेथ बोलते हैं। तो देखो भाई, यहां पे स्पैडिक्स की कंडीशन में जो फ्लावर है वो क्या है, सेसाइल, और फ्लावर को कवर करता है ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्पेथ। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है इसका, तो एग्जाम्पल है बनाना, बनाना, ठीक है ना, बनाना एग्जाम्पल यही आता है और यही जानना आपके लिए इनफ है, ठीक है। कहना भी वैसे होता है लेकिन बनाना ही आप यहां पे समझो। तो स्पैडिक्स के साथ साथ हमारा खत्म हुआ मेन एक्सिस इलोंगेटेड में जो भी रेसिमोस के टाइप्स आते हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, यहां पे आप देखिए पिक्चर में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से स्पैडिक्स हमको दिखता है। आगे की बात करते हैं, तो देखो सेकेंड टाइप पे आते हैं जिसमें मेन एक्सिस क्या है, शॉर्टेंट है, और उसमें दो पढ़ने को मिलते हैं हमें, कोरियम और अम्बल। तो कोरियम और अम्बल को देखते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो क्या है, जो मेन एक्सिस है, जो पेडंकल है, वो क्या है भैया, शॉर्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अब जब मेन एक्सिस शॉर्ट है तो नोड्स और इंटर नोड है वो क्या हो गए, पास में आ गए, यानी कि ये सब क्या है, ये नोड्स है, क्लियर, ये सब क्या है, नोड्स। अब देखो भाई, जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो सबसे बड़ा होगा, आप जानते हो रेसिमोज में एक्रोपिटल ऑर्डर है, यानी कि ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे प्रेजेंट है बेस पे और सबसे बड़ा है, उसके बाद में जो यंग है वो उससे छोटा, और यंग उससे छोटा, और यंग उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी तरीके से यहां पे भी है, ठीक है ना, ये आपको तो समझ में आया होगा। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, और इस तरीके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ, ठीक। तो देखो यार, जो ओल्ड फ्लावर है वो बड़ा है, लेकिन साथ साथ ओल्ड फ्लावर हैज लॉन्ग पेडिसिल, ठीक है ना,
जो ओल्ड फ्लावर है उसके पास में क्या है, जो पेडिसल का साइज है वो क्या है, ज्यादा। तो देखो ये वाली पेडिसल बड़ी है, उसके बाद इसमें छोटी है, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो जो यंग फ्लावर है, फ्लावर का साइज कम होने के साथ साथ पेडिसल की लेंथ भी यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन ओल्ड फ्लावर में क्या है, लॉन्गेस्ट पेडिसल प्रेजेंट है, लॉन्ग पेडिसल प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहाँ पे, एग्जाम्पल हो सकता है काउली फ्लावर, ठीक है ना। तो कॉली फ्लावर यहाँ पे एग्जाम्पल है। आप देखिए पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कोरियम में जो पेडिसल है वो कैसी है भाई, वो पेडिसल ओल्डेस्ट में लॉन्ग है। दूसरा देखते हैं हम लोग अंबल। अब अंबल और पेडिसल में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। आप देखिए यहाँ पे ये है पेडंकल, ये है पेडंकल। अब देखो यार यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो ओल्ड फ्लावर है उसमें पेडिसल कैसी थी, लॉन्गेस्ट थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये ओल्डेस्ट फ्लावर है तो बड़ा है, उसके बाद में छोटा, उसके बाद में उससे छोटा, उससे छोटा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट फ्लावर है, ये फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ। तो देखो यहां पे पेडिसल का साइज सेम है, साइज ऑफ पेडिसल, साइज ऑफ पेडिसल सेम। सभी फ्लावर में जो पेडिसल का साइज है वो सेम है, बस फ्लावर छोटा बड़ा है। जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो बड़ा है और जो यंगेस्ट फ्लावर है वो छोटा होता जा रहा है। लेकिन यहां पे पेडिसल के साइज में डिफरेंस नहीं हुआ है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ओनियन, ठीक है ना। अब हमें कहीं पे कंपाउंड अंबल भी देखने को मिलता है, तो वो भी देख लो भैया, कंपाउंड अंबल। तो कंपाउंड अंबल में क्या होता है कि बस ब्रांचेस हो जाती हैं। कंपाउंड अंबल में क्या है, ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, कंपाउंड अंबल ऐसा, ठीक है ना। तो कंपाउंड अंबल और अंबल में आप लोग कंफ्यूज मत होना, बस अंबल में क्या हो जाए, ब्रांचेस हो जाए, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड अंबल। और यहां पे आपने एग्जाम्पल सुना होगा इसका जरूर, और एग्जाम्पल होता है कोरिएंडरम, ठीक है ना, या कोरिएंडर। तो कोरिएंडरम क्या है, इसका एग्जाम्पल होता है कंपाउंड अंबल का। अब देखिए यहां पे पिक्चर में देखिए, ये है अंबल जिसमें पेडिसल क्या है, सेम साइज की है, और देखिए कोरियम में जो पेडिसल है वो साइज में डिफरेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेन एक्सिस फ्लैटेंड। तो आइए लास्ट दो पढ़ते हैं, मेन एक्सिस फ्लैटेंड की बात करते हैं। तो देखो मेन एक्सिस फ्लैटेंड में क्या हुआ कि ये मेन एक्सिस कैसी हो गई भैया, फ्लैट हो गई। मेन एक्सिस कैसी हो गई, फ्लैट हो गई। अब जब मेन एक्सिस फ्लैट होगी, बहुत ध्यान से देखो, जब मेन एक्सिस फ्लैट होगी, मान लो ये मेन एक्सिस कैसी थी, इलॉन्गेटेड थी, और इसमें ये नोड्स थे और इंटर नोड थे। जब ये मेन एक्सिस फ्लैट हो जाएगी तब यहाँ पे क्या होगा कि ये नोड्स और इंटर नोड इस तरह से प्रेजेंट हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, नोड्स और इंटर नोड। तो जो नोड्स हैं वहां से क्या निकलेगा, फ्लावर निकलेगा, फ्लावर। और जो साइड वाले नोड हैं, यानी कि जो सबसे नीचे नोड हैं, वो कहाँ आ जाएंगे, वो आ जाएंगे साइड में, और जो सबसे ऊपर है वो कहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर पे। तो देखो सेंटर पे क्या हो जाएंगे, सेंटर में नोड्स छोटे होंगे, जो फ्लावर होंगे वो छोटे होंगे, ठीक है ना, जबकि साइड्स में जो फ्लावर होंगे वो उनका साइज बड़ा होगा। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटुलम। अब कैपिटुलम में जो ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स। और यहां पे ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इनको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट्स। तो आपने ये देखा होगा सनफ्लावर में, सनफ्लावर में। तो सनफ्लावर में आपको क्या दिखता है कि सनफ्लावर में इस तरह से ये काला काला वाला पोर्शन है, और यहां पे क्या है, उसकी पत्तियां हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है रे फ्लोरेट्स, और जो ये बीच वाला काला वाला पोर्शन है वो है डिस्क फ्लोरेट्स। तो सनफ्लावर में कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। तो कैपिटेट में क्या होता है, कैपिटेट में एक ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर से फ्लावर अराइज होते हैं।
इस ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर से फ्लावर अराइज होते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिटेट, ठीक है ना। और ये प्रेजेंट होता है माइमोसा माइमोसा अकेशिया में, ठीक, माइमोसा अकेशिया में। तो यहाँ पे रेसिमोस कंप्लीट हो गया। रेसिमोस के 10 टाइप्स हैं, उनको हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। मेन एक्सिस एलोंगेटेड, मेन एक्सिस एलोंगेटेड में हमने इतना सब कुछ पढ़ा। मेन एक्सिस शॉर्टेंड में हमने पढ़ा कोरियम और अम्बल, और मेन एक्सिस फ्लैटेंड में हमने पढ़ा कैपिटुलम एंड कैपिटेट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।